आज 3 फरवरी 2019 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। माघ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है रात 11:53 तक और उसके बाद अमावस्या। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है देर रात 2:55 तक और उसके बाद श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं मकर राशि में और आज भद्रा है सुबह 10:34 तक। मेष राशि वालों की रिश्तों के प्रति लगन नजर आ रही है और कोई प्यार का रिश्ता दस्तक दे सकता है। आपके मन में ये झुकाव इस रूप से बना रहेगा कि अपनी मसरूफियत के साथ साथ आप इस रिश्ते को भी तवज्जो देते चले जाएं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज में कई अच्छी नई संभावनाएं उभर रही हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए, पर फैसले फिर भी समय के साथ करने चाहिए। आने वाला सप्ताह आपकी दुविधाओं को हटाएगा और आपके भरोसे को जगाएगा और इस समय यही चीज आपकी मदद करेगी। वृषभ राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बनाए रखने का समय है और ये तब संभव हो पाएगा जब आप लोगों से घुल मिल कर रहेंगे। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास आपको लगातार करना होगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कई तरह की चुनौतियों से आप जूझ रहे हैं और इसलिए किसी भी तरह का बड़ा खतरा मोल लेने से बचना होगा। कामकाज की स्थिति को भी संभालने के लिए थोड़ा सा धैर्य बनाकर चलेंगे तो एक एक कदम आगे बढ़ाना आसान हो जाएगा। मिथुन राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो आपकी कोशिशें फीकी पड़ती चली जाएंगी। वैसे भी है किसी न किसी तरह की गलतफहमी का समय जिसके चलते आपको संभल कर ही चलना होगा। किसी भी छोटी बात को बढ़ाते चले जाने से बचना हो। क्या करना चाहिए सप्ताह में? रिश्तों को संभाले रखने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी इच्छाएं भी मन में बनी रहेंगी। ऐसे में घर परिवार के सुख और सुकून को बनाए रखने की भी कोशिश करनी होगी ताकि सब कुछ ठीक ठाक चलता चला जाए। कर्क राशि वाले कई तरह के अच्छे विकल्प टटोल रहे हैं जिसके चलते आपका भविष्य बन जाए, पर सबसे अच्छी बात यह है कि रिश्तों को संभाले रखने के लिए भी आप अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। ये और बात है कि कोई ना कोई तकरार की स्थिति फिर भी बनी रह सकती है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपनी आमदनी को किसी भी तरह के खतरे में डालने से बचना होगा, बल्कि लोगों के प्रति भी ऐसे विचार बनाने होंगे कि वो भी आपकी बात को समझ सके। ऐसे में अपने साथी सहयोगियों से तालमेल बिठाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंह राशि वाले ये समझ लें कि आपकी अपनी गलतियों से लोगों की नाराजगी बढ़ सकती है, पर परेशानी यह है कि आप भी जल्दबाजी में ऐसे कदम बढ़ाना चाह रहे हैं जो किसी न किसी रूप से आप ही की गलती हो, इसलिए बहुत सारी विनम्रता अपनानी होगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रिश्तों की अच्छाई आपकी मेहनत से बन पाएगी और आपके अंदर इस समय वो जज्बा बन रहा है कि आप अपने भविष्य को बनाने के लिए मेहनत कर पाए। बहुत कुछ सीखने का और बहुत कुछ जान लेने का समय है। आपका तजुर्बा इस समय आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। कन्या राशि वालों का रिश्तों के प्रति झुकाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं तो आप अपनी बात कहना भी चाह रहे हैं ताकि लोग आपके विचारों को भली भांति समझ सकें। क्या करना चाहिए सप्ताह में? पारिवारिक खुशियां बनाए रखने के लिए आपको हर तरह की मदद मिलेगी। जो पहले कमियां रही हैं उन्हें भी संभालते चले जाना आसान हो जाएगा। कामकाज से हर तरह का लाभ बना हुआ है जिसे आपको सुकून की नजर से देखना होगा। तुला राशि वालों के मन में किसी अच्छे निवेश का विचार बन सकता है और उसके लिए पैसा जुटाना भी पड़ सकता है, पर अपनी कोशिशों से ये सब कुछ आसानी से संभव हो पाएगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। फिर भी कोशिश ये करनी होगी कि किसी भी निवेश का फैसला बहुत सूझबूझ से ही किया जाए। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपनी काबिलियत को बढ़ाकर उसे सही रूप से इस्तेमाल करने का समय है। उसके लिए अपने मन में जुनून की भावना लानी होगी ताकि बड़ी उपलब्धियों के द्वार आपके लिए खुल जाए। इस समय आपकी कोशिशें कामयाब जरूर होंगी। वृश्चिक राशि वालों के कामकाज की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जिसके चलते आपको बड़ा लाभ मिल सकता है और कई तरह के ऐसे अच्छे विचार भी बन रहे हैं जो आपको अपने ज्ञान को बढ़ावा देने में मदद करते चले जाएं। इसी विचार के साथ अपनी मेहनत को अपने कामकाज में लगाना होगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? अपनी मेहनत से बनते हुए लाभ को बचा लेने की जरूरत पड़ेगी ताकि अपने बढ़ते हुए खर्चों को भी रोका जा सके। ज्यादा पैसा जुटा लेने से भी नुकसान हो सकता है, इसलिए संभल कर तो चलना ही पड़ेगा। धनु राशि वालों के लिए हालात संतोषजनक है क्योंकि तकदीर की भूमिका आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई और यही अच्छाई आपको कामकाज में आगे बढ़ने का मौका भी दे रही है। हर अच्छी भली स्थिति को पैसे के बजाय तरक्की के रूप में देखना चाहिए, इसलिए पैसे को लेकर भी आपके लिए ये अच्छा ही समय। क्या करना चाहिए सप्ताह में? पैसे से जुड़ी बहुत सारी योजनाएं बनानी होगी और घर परिवार के बढ़ते हुए खर्चों को भी संभाले रखने की कोशिश करनी होगी। ये समय आपसे मेहनत भी करवा लेगा और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद भी करेगा, जिसके चलते पैसे की प्लानिंग आपके लिए सही होती चली जाएगी। मकर राशि वाले ये समझ लें कि लोग आपके प्रति मददगार हैं पर उनका रवैया आपके प्रति आलोचनात्मक भी है और यही चीज़ आपको परेशानियों की ओर ले जा रही है। आपको कभी कभी लगता है कि आप ऐसे हर व्यक्ति से दूर भाग जाएं जो आपको इस तरह की नज़र से देखता है।
क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी भी तरह के बड़े फैसले में उत्तेजित होते चले जाने से बचना है। थम जाने की जरूरत पड़ेगी ताकि अपने हालात का सही जायजा लिया जा सके। किसी भी तरह का बदलाव का विचार बनाने से पहले एक बार फिर सोच लेना होगा। कुंभ राशि वालों का लोगों से विचारों का मतभेद बना रह सकता है और इसी वजह से आपके चाहने वाले भी आपसे दूरियां बना सकते हैं। इस समय की परेशानी यह है कि आप रिश्तों का ना सोचकर लाभ का ही सोचते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पारिवारिक परिस्थितियों का सही रूप से आकलन करेंगे तो आपके लिए सुख का माहौल जरूर बनेगा। इसका बड़ा कारण यह भी है कि हालात आपकी हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं, इसलिए आपको किसी भी तरह का बड़ा फैसला करने से पहले एक बार रुक जाना होगा ताकि आपके हालात आपके हित में संभले रहें। मीन राशि वाले ही समझ लें कि ज्यादा पैसा जुटा लेना भी मुसीबत का कारण बन सकता है और रिश्तों में बढ़ता हुआ तकरार आपकी रोजमर्रा की परेशानियों को बढ़ा सकता है। उसमें अगर कोई प्यार का रिश्ता जुड़ जाएगा तो आपका फोकस और भी बिगड़ता चला जाएगा। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज से जुड़ी अपनी बढ़ती हुई जरूरतों को समझना होगा और उसमें अपना पूरा योगदान भी देना होगा। आपकी मेहनत जो है उसे बनाए रखने की जरूरत है, पर अपने बढ़ते हुए नुकसान को भी थामे रखने की जरूरत पड़ेगी।